नूरुद्दीन जंगी हुजूर ने सुत्या जा जगाया मिसर चो और भी बड़े हुक्मरान सन, तो उसकी वजह यही थी कि नूरुद्दीन जंगी ने दारुल हदीस बनाए थे, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कराई थी कि यहां बैठकर शेखुल हदीस हुजूर की हदीसें सुनाए, रसूलुल्लाह के फरामीन सुनाए, उनको लाखों लाखों रुपए मौलवियों को तनख्वाहें दी, बड़े बड़े उलमा को मुहद्दिसीन को कहा कि आपका और कोई काम नहीं है, जो चाहे रोगन बादाम चाहिए, पिस्ते चाहिए, बादाम चाहिए, रोटी चाहिए, घोड़े चाहिए, बागात चाहिए, आपको मैं दूंगा, लेकिन यहां बैठकर हुजूर की हदीस पढ़ाओ। तुमने अहले कुरान की क्या इज्जत की है, हुजूर ने तो कुरान ही को इलम करार दिया। हाँ, हजरत ज़ियाद बिन लबीद कहते हैं ना, हुजूर ने फरमाया ये वो वक्त है कि जब इलम चला जाएगा, तो कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर कैफा यज़बुल इल्म नहनु नकराउल कुरान व नुकरिउ अबनाना व युकरिउ अबनाउना अबनाहुम इला यौमिल क़ियामा, हुजूर कुरान इलम कैसे चला जाएगा, फिर आपकी उम्मत पर जवाल आ जाएगा, हम आपसे कुरान पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके बच्चे फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा, तो इलम कैसे चला जाएगा। हुजूर ने फरमाया ओ ज़ियाद, मैंने तो समझा था तू बड़ा समझदार आदमी है, मदीना मुनव्वरा में तेरी माँ तुझे रोए, ये क्या बात तूने समझ ली, अब अलैसा हाज़िल यहूद व नसारा यकरउन तौरात वल इंजील वला यअमलून बिशयइन फीहिमा, फरमाया ये तुम्हारे सामने यहूद व नसारा मौजूद हैं, तौरात भी पढ़ते हैं, इंजील भी पढ़ते हैं, लेकिन जो उसमें लिखा है उस पर अमल नहीं करते, तो फरमाया मेरी उम्मत कुरान जरूर पढ़ेगी लेकिन अमल नहीं करेगी, तो इलम चला जाएगा। बताओ, यहां तो कुरान देखकर उम्मत को पढ़ना नहीं आता, जिनको देखकर कुरान नहीं पढ़ना आता इनको क्या समझना है कि जनाब फबियान का क्या माना है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम का क्या माना है, वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान फबियाला रब्बिको मातुकज़्ज़िबान ज़वाता अफनान व मिन दूनिहिमा जन्नतान, इन चीज़ों का इनको क्या पता है, इज़ा वक़ातिल वाक़िअतु लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा खाफ़िदतुन राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज़्म व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबा मुनबस्सम व कुंतुम अज़्वाजन सलासा सब्बहा लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून فَالُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى، इनको क्या पता है मैं क्या पढ़ रहा हूं। हां जी, जब आपने खुद ही कुरान के साथ ऐसे किया, बाल कंदो बयान में नुक्ता है तौहीद तो आ सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, जहां में बंदा है हुर के मुशाहदात हैं क्या, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए, इकबाल कहता तेनू पता ही नहीं मुहम्मद अरबी के गुलामा का जनाब है जी, उन्होंने वेखण का अंदाज की वे तो उन्होंने चलण का अंदाज के वे, उन्होंने रहन का अंदाज की वे, उन्होंने काफराना गल कर अंदाज के वे, उन्होंने खाण का अंदाज के वे, क्यों जी हुज़ैफा बिन यमान और रूमिया के दस्तरखान से बैठे हजारा नियमत पईया रोटी खाद्या लुकमा नीचे गिर गया, तो आप जो चुकन लगे तो नाल ने क्या हजूर ए कर न करो एक ही कहे कि रोटी कद नहीं वेखी ये थलो लुकमे चाह के खाते हैं असी तो इन्होंने वास्ते हर किस्म के खाने तैयार किए, तो आपने फरमाया आतरो को सुन्नत रसूलिल्लाह लिहाज़ इलोमा का, फरमाया आप चलिया मैं इन्होंने वास्ते अपने नबी की सुन्नत छड़ देव, जहां में बंदा है होर के मुशाहदात हैं क्या, क्यों जी तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए, फरमाया तेरी निगाह ही गुलामा वाली, तू कदों के वेख्या के महमूद गजनवी किंज आया ते नूरुद्दीन जंगी दारुल हदीस किंज बनाए, तो सदा बड़े बड़ा मदारिस जनाब उजाड़ना चाहते हो, बड़े बड़ा मदारिस तुसी अपने गन दाखिल किए हमारा निसाब भी पढ़ाओ, इकबाल ने क्या लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी कौम ने ढूंढ ली फला की राह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह, इकबाल कहता है वक्त आके दसेगा ना कुड़ियां अंग्रेजी पढ़ के ना की बढ़िया, क्यों जी को खूब समझता हूँ कि ये जहर है वो कंद, क्या फायदा कुछ और भी कह के बनू मातूब, पहले भी खफा मुझसे तहजीब के फरजंद, क्या चीज है आराशो कीमत में ज्यादा, आजादी ये निस्वा या जमुरुद का गुलू बंद, कहना मैं पहले मैं कहना है मेरे ना पहले भी बड़े नाराज हैं इस तहजीब के फरजंद, कहने लगा मैं इन्हें तो होर है ना मेरे खिलाफ बक बक, ये मेरे खिलाफ लोग नहीं करते बक बक, इकबाल कहना मेरे खिलाफ भी बक बक कर दे, क्या फायदा कुछ कह के और भी बनू मातूब, पहले भी खफा मुझसे तहजीब के फरजंद, कहता है तहजीब दे बंदे पहले भी, लेकिन ये खूब समझता हूं कि ये जहर है वो कंद, हाँ कहता है कुड़िया दे दुपट्टे ला देने
ते जनाब मटक मटक इकबाल कहंदा बहल है दुख्तर ई दिल बरीहा मुसलमाना न जेबत काफरिया। इकबाल कहंदा जदों मुसलमाना दी धी दुपट्टे ला के मटक मटक के कॉलेजां यूनिवर्सिटीआं जांदी ते इकबाल कहंदा ओए मुसलमाना दी धी तैनू ए जेब ही नहीं देंदी, ए काफरां दी आदावां तू किवें अपना लईआं। मुसलमाना दी धीआं जिनका आंचल न देखा माहो मेर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सला। इकबाल कहंदा जी मैं खूब समझता हूँ क्या चीज है आराइश कीमत में ज्यादा आजादी निस्वा या जुमरुद का गुलू बंद। कहना मैं इस बात को खूब समझता हूँ कि कुड़ियां दुपट्टा ला देवन एक कीमती है या वड्डी चादर करके टुरन एक कीमती है। सारा कुछ तो तुसी तबाह कर छड़िया, तो की छड़िया तुसी जनाब, की पढ़ाया तुसी ते जनाब ये 12-14 सौ क्लासा पढ़ा के मुंडे नूं जनाब तुसी तो नमाज भी ना सिखा सके, तुसी तो जनाब वो जनाजे दियां दुआवां भी ना सिखा सके, तुसी तो मुंडे नूं जनाब तहारत दे मसाइल भी ना दस सके, तुसी तो ये भी ना दस सके कि वुज़ू दे फर्ज कितने, तयम्मुम किसको कहते हैं। जुज़्ब कुरान ज़ैगमी रुबाई अस फकर कुरान असले शहनशाही अस। इकबाल कहंदा कुरान तो बगैर शेरी का दावा करना ये तो लोमड़ी की गल है। कहंदा कुरान तो बगैर बंदा शेर नहीं बन। जुज़्ब कुरान ज़ैगमी रुबाई अस। इकबाल कहंदा कुरान तो बगैर बंदा कवे मैं शेर हाँ वो शेर नहीं वो तो लोमड़ी है। हाँ जी फकर कुरान असल शहनशाही अस। इकबाल कहंदा कुरान तो पढ़न वाला कुरान से अमल करने वाला ही तो वड्डा शेर होंदा। हाँ वो शहनशाह होंदा। क्यों जी वह तो शहनशाह होंदा वह तो तय बंद बन के ते जनाब मैदाने वे चले जाते हैं। एक ने भी नहीं किया हजूर कपड़े तो दो उन्होंने तो कफन भी ना मिले जेडे कुरान पढ़े हुए सन शेर तो जाके मैदाने वे शहीद हो गए जनाब। उन्होंने को तो कपड़े भी पूरे कोई नहीं सन तो उन्होंने पेट उ पत्थर बन के मैदाने खंदक के चले गए। अज जनाब घर समान नहीं सी लाया फकरे कुरान असले शहनशाही अस्त। इकबाल कहना कुरान जरा पढ़ने वाला ही तो असल शहनशाह है। इकबाल कह अजे तक साहबा जे समान उतारे भी नहीं सी अपने घोड़िया तो खचरा तो उठा तो फिर जबरील आ गया उन्हें कहा जी चलिए बनू कुरैजा की तरफ फकरे कुरान असले शहनशाही अस्त। इकबाल कहना यही तो शहनशाह सन। एक साहबी ने भी नहीं किया हजूर रोटी भी रज के नहीं खाधी उन्हें कहा जी चलिए बस इतनी गल है जनाब। कबर में इतनी जगह असन दे के रोन ले और दस तेन दिता किस दिलासा हो। असन दे के रोन ले और दस तेन दिता किस दिलासा हो। बंद उम्र बंदे दी एवी गुजरी जिमें पानी विच पतासा हो। ते सौड़ी सामी सट गते सन ते पत न सकसे पासा हो। ते साहिब तै तू लेखा मंगसी बाहू रत्ती घट नमाशा हो। इस वास्ते इतनी सारी लभनी जा वह भी किस्मत आले नू लभनी वह भी किस्मत आले ने रखना है उन्हों थले वरना गोर कुंद धड़ल करके सुट देन। फिर कबर जिन्हों की जीवे हो और कबर फिर उन्हों की जीनी जिन्हें हजूर नाल वफा की थी। फिर रसूलुल्लाह जिन्हें वफा की थी असी तुहानू ओ राह ला रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी की बनाया जी दारुल हदीस। दूसरा उन्हें मदरसे खोले बंद नहीं किए मदरसे खोले तो दीनी किताबा छाप के ते मुफ्त तकसीम कीतियां। छाप तो मुराद लिखवा मतलब तुम कहो जी उस वे छापेखाने कितने होंगे सर उस वे बड़े बड़े शेर बैठ के सोहना सोहना खत लिखते सर। हाँ तीसरी बात नूरुद्दीन जंगी नूं सुत्या रसूलुल्लाह ने जाके जगाया फरमाया उठा है मेरी नामूस के लिए। क्यों एवें कोई नहीं कोई काम किसी का करता कोई ताल्लुक होवे तो करना। हाँ कोई ताल्लुक होवे तो करना एवें नहीं करता जी फलाना नहीं करता मैं आखिर नहीं करता तो रोवे अपनी किस्मत नूं। क्यों जी शुक्र करन लब्बैक वाले जेड़े दिहाड़ी राती लब्बैक दा नारा लांदे ओ ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कराई क्यों। कितने खुश नसीब हो हर वेले तजदीदे आद कर दो। क्यों जी तजदीदे वफा कर दो। तीसरी बात जो नूरुद्दीन जंगी के अंदर थी वो सरकारी खजाने से तनख्वाह नहीं लेते थे। साढ़े बुजुर्गों ने लिखा इन्ह तिना वजह तो नूरुद्दीन जंगी ने हजूर ने सुत्या जा जगाया। आपने फरमाया कि आ मदीना मुनवरा में मेरी इज्जत का काम है। फिर नूरुद्दीन जंगी फिर एन चार अपना दामन करके ना कमीज एन चुक के ते पूरे मदीना पाक की गलियां एन फिरिया सी अपनी फौज नाल नाल रोंदा सी हजूर तुसी मैनू इस काम वास्ते तुसी मैनू मुंतखब किया हजूर मैं तो इस कोई नहीं सी काबिल हजूर तुसी मैनू आ जगाया हजूर तुसी मेरे इस काम वास्ते मुंतखब किया।